नमस्कार, साथ हिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों की पिटाई से मरने वाले पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट मामले में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झाड़ा पल्ला। उन्होंने कहा कि इस मामले की चार्जशीट बीजेपी सरकार के दौरान पेश की गई थी, अगर इस जांच में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो इस मामले की जांच फिर से होगी। बता दें कि पहलू खान की कथित गोरक्षकों ने हत्या कर दी थी और अब पहलू खान और उनके दो बेटों को गो तस्कर बताकर चार्जशीट दाखिल की गई है। पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट के बाद सियासत तेज। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पाने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी की तरह हो गई है और अब मुसलमानों को एक स्वतंत्र राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जिस हिसाब से कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है उससे उनको अपनी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इस्तीफा नेशनल कांग्रेस कर लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, क्या बीजेपी की सरकार ने अपराधियों के सामने समर्पण कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम मनमानी करते घूम रहे हैं, एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मगर राज्य की बीजेपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बीजेपी नेता राम माधव ने कश्मीर में फैले आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि कश्मीर में फैले आतंकवाद का बीज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया है, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। साथ ही उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात भी कही। यूपी सरकार ने निषाद, मल्ला और राजभर समेत 17 ओबीसी जातियों को SC का दर्जा देने का दिया आदेश। हालांकि समाज कल्याण द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी 17 जातियों को SC का दर्जा देने का आदेश जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने लगा दिया था स्टे। यूपी में एक बार फिर से रोमियो स्क्वाड के शुरू होने पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। कहा, यह महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक अच्छा कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम का स्वागत करना चाहिए और इसको दिल्ली में भी लागू करना चाहिए। ट्रेड वॉर पर विराम लगाने को सहमत हुए अमेरिका और चीन। जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के इतर ट्रंप शी ने की बातचीत। बातचीत में ट्रंप प्रशासन ने चीनी निर्यात पर नया टैरिफ नहीं लगाने का आश्वासन दिया। वहीं चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि दोनों देश समानता एवं आपसी सम्मान के आधार पर दोबारा बातचीत करेंगे। G20 समिट के इतर मिले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच व्यापार, डिफेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अगले 6 साल में दोनों देशों के बीच का व्यापार $50 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। विश्वकप में जारी पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने दिए शुरुआती झटके। आर्टिकल 15 में ब्राह्मण शब्द को लेकर हो रहे विवाद पर बोले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा। कहा, फिल्म से ब्राह्मण शब्द हटाने के लिए मिली थी धमकी। अनुभव सिन्हा ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि फिल्म जातिवाद पर है, लेकिन इसमें किसी भी जाति को नेगेटिव नहीं दिखाया गया है। खबरों के मुताबिक कंगना रनौत और राजकुमार राव की फिल्म मेंटल है क्या के टाइटल को बदल दिया गया है और अब इस फिल्म का नाम है जजमेंटल है क्या। बता दें, इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ने इस फिल्म के नाम को असंवेदनशील बताकर इसको बदलने की अपील की थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए साथ हिंदी.com के साथ।